क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे. ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्वेश्चन है. कहा गया द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल एक्सक्यूटिंग एस एच एम इज गिवेन बाई वाई इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी. देन एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन इज गिवेन बाई. अब देखेंगे जो इक्वेशन है वो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सुपरपोजिशन से आया हुआ है ना. ये अलग एस एच एम का इक्वेशन है, ये अलग एस एच एम का इक्वेशन है. तो ये जो इक्वेशन है इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे. मैं लिखता हूं वाई माइनस ए नॉट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी. ठीक. अब ये जो इक्वेशन है दोनों, इनको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी को लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. तो देखेंगे ये एस एच एम और ये एस एच एम दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है पाई बाई टू का. मतलब अगर फेजर डायग्राम यूज करें तो एक एम्पलीट्यूड वेक्टर जो है वो ये है, दूसरा एम्पलीट्यूड वेक्टर जो है ये बी हो जाएगा क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो ये परपेंडिकुलर होना चाहिए. तो रिजल्टेंट जो आएगा वो ये आएगा और ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट है ना. तो ये जो इक्वेशन है इसको लिखा जा सकता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा जो है. एक्चुअली मैं यहां पर जो है एक डेल्टा आकर में आएगा, डेल्टा ये वाला एंगल होता है ना. जब हम लोग सुपरपोजिशन करके निकालते हैं तो ये आ जाएगा टैन डेल्टा इज इक्वल टू बी बाई ए. हालांकि इसकी यहां पर जरूरत है नहीं, यहां पर तो केवल एम्पलीट्यूड पूछा गया है. ठीक. तो ये जो इक्वेशन है ये फाइनली ऐसा बन गया वाई इज इक्वल टू ए नॉट इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का रूट साइन ओमेगा टी प्लस डेल्टा है ना. अगर आपने मेरा वीडियो लेके देखा हो तो उसमें मैंने एक इक्वेशन बताया एस एच एम का कुछ इस तरीके का एक्स माइनस एक्स नॉट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ऐसा एक इक्वेशन बताया है ना. तो इस इक्वेशन में और एक हम पढ़ते हैं एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, दोनों में क्या फर्क होता है. इसमें क्या है कि जो मीन पोजीशन है वो ओरिजिन पर नहीं होता, मीन पोजीशन कहां पर होता है एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट पर. तो ऐसा ही इक्वेशन तो यहां भी बन रहा है, बस ए के जगह पर ये आ गया है. इसमें भी मीन पोजीशन ओरिजिन पर नहीं है बल्कि ए नॉट पर है, वाई इज इक्वल टू वाई ए नॉट. यहां पर मीन पोजिशन है, वाई इज इक्वल टू ए नॉट पर मीन पोजिशन होगा. लेकिन एम्पलीट्यूड डिसाइड करने के लिए क्या करेंगे हम, तो केवल राइट साइड वाला जो एक्सप्रेशन है इसी को देखना है. इसमें ये जो टर्म है ये एम्पलीट्यूड कहलाएगा. उसी तरह से इसमें देखेंगे ये जो टर्म है ये एम्पलीट्यूड है. तो ये एम्पलीट्यूड देखेंगे ऑप्शन ए में दिया गया है ना. तो ये जो भी इक्वेशन दिया गया है उसमें जो एम्पलीट्यूड है वो है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ठीक. इसके बाद आते हैं अगले एग्जाम्पल पर जो कि ग्रेविटेशन का सवाल है. कहा गया द वर्क डन टू रेज अ मास एम फ्रॉम द सर्फेस ऑफ अर्थ टू हाइट एच विच इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द अर्थ आर. मतलब ये जो हाइट है एच वो आर के इक्वल है. तो उतना ऊपर ले जाना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा. सपोज ये अर्थ है, अर्थ का अपना रेडियस होता है आर, तो यहां सरफेस से हमने उठाया और आर हाइट तक ले गए. तो यहां से यहां ले जाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा. तो हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं है ना. तो या वर्क एनर्जी लगा सकते हैं वर्क डन, क्योंकि यहां से मतलब कि स्लोली ले जाएंगे तो हम उतना ही वर्क करेंगे जितनी इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी है ना. यहां से वहां ले जाने में हम उतना वर्क करेंगे जितनी की इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी होगी. हमें जस्ट यहां से उठाकर यहां पर पहुंचाना है, हमें उसको काइनेटिक एनर्जी नहीं देनी है. काइनेटिक एनर्जी के बारे में कोई बात नहीं किया गया है. तो सीधे कह सकते हैं कि वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी. तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी यहां पर आएगा जो कि आएगा माइनस जी एम. अर्थ का मास एम ले लेते हैं, पार्टिकल का जो मास है वो स्मॉल एम है. तो जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई इसके सेंटर से यहां तक का डिस्टेंस जो कि आएगा टू आर है ना, माइनस
इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इसके सरफेस पर निकालेंगे वो आएगा माइनस जी एम वन एम टू डिवाइडेड बाई आर, पार्टिकल और अर्थ के सेंटर के बीच का डिस्टेंस अब आर है तो इस नीचे आर आएगा, है ना। तो ये जो है ये देखेंगे आएगा प्लस जी एम एम डिवाइडेड बाई टू आर, है ना। इसका जस्ट ये आधा है, ये पॉजिटिव है, है ना। तो पॉजिटिव वन में से हाफ माइनस करेंगे तो प्लस हाफ रह जाएगा, तो प्लस हाफ रह गया ये। अब इसको हम लोग थोड़ा दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे ये मास m है ना, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर m जी एम बाई आर, जी एम बाई आर और 2, इसको हमने ऐसे लिखा। अब इसमें ऊपर भी r से मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी r से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा m बाई 2, ये हो गया जी एम बाई आर स्क्वायर जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के इक्वल होता है इन टू आर। तो वर्क डन देख सकते हैं आ गया एम जी आर बाई 2 जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, है ना। तो ये जो है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि रिवर बोट प्रॉब्लम का सवाल है। इसमें कहा गया द स्पीड ऑफ अ स्विमर इन स्टील वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक। अगर आपने मेरा वीडियो लेक्चर देखा होगा उसमें मैंने बताया है कि कभी भी स्पीड बताया जाए इन स्टील वाटर तो इसका मतलब ये होता है कि ये वी वी आर है, है ना। तो वी वी आर यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ स्विमर विथ रेस्पेक्ट टू रिवर कह सकते हैं। इसका मतलब हमने बताया था वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू रिवर, बोट के जगह पर यहाँ पर स्विमर, फिर मैं बोट जैसा ही लेकर के लिख रहा हूँ, कैलकुलेशन में या सिंबल देने में कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो जो वी वी आर है वो यहाँ पर दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। आगे कहा गया द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी कि जो वी आर है वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ वाटर वो दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड। कहा गया रिवर इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट, रिवर जो है वो जा रहा है इधर, ये ईस्ट डायरेक्शन है। इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, साउथ बैंक मतलब कि इधर खड़ा है, एंड विशेज टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, यानी उसको डायरेक्ट क्रॉस करना है ऐसे, है ना। हमने कई सारे केसेज पढ़े रिवर बोट प्रॉब्लम में जिसमें एक केस होता है डायरेक्ट क्रॉसिंग का या शॉर्टेस्ट पाथ का। उसमें जो है अगर डायरेक्ट क्रॉस करना हो तो बोट को इधर चलना होता है कहीं, है ना। वी वी आर कहीं ऐसे होता है, रिवर की वेलोसिटी इधर होगी ऐसे, और दोनों का जो रिजल्टेंट है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में वी वी वो आता है इधर, है ना। तो ये जो थीटा का वैल्यू है, ये थीटा का वैल्यू हमने कैलकुलेट किया हुआ है, ये आता है टैन थीटा इज इक्वल टू वी आर, साइन थीटा आएगा यहाँ पर, साइन थीटा इज इक्वल टू वी आर बाई वी वी आर, है ना। ये नॉर्थ डायरेक्शन है तो यहाँ से थीटा निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, ये हो गया यहाँ पर अपोजिट साइड, और वी वी आर ये हो गया हाइपोटेनस इस राइट एंगल ट्रायंगल में, तो वी आर बाई वी वी आर ये साइन थीटा का वैल्यू बताएगा। अब क्वेश्चन में देखेंगे जो वी आर है वो है 10 और वी वी आर वो है 20, तो ये आ गया 1 बाई 2, मतलब जो थीटा है ये आ जाएगा 30 डिग्री, है ना। तो 30 डिग्री कहाँ से आया, ये इसमें पूछा गया है डायरेक्शन इधर वाला किस डायरेक्शन में उसको चलना चाहिए, है ना। देखें यहाँ पर कहा गया इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक एंड विशेज टू क्रॉस द रिवर अलोंग द शॉर्टेस्ट पाथ, द एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ इज गिवन बाई, स्ट्रोक्स का मतलब जो है जैसे तरते हैं हाथ से, है ना, हाथ से हम लोग पानी को ऐसे पीछे की तरफ फोर्स करते हैं, तो किस डायरेक्शन में उसको जाने की कोशिश करना चाहिए जिससे कि वो डायरेक्ट क्रॉस कर पाएगा। तो एक्चुअली में उसको इधर जाने की कोशिश करना चाहिए, तो रिवर फ्लो ऐसे है तो वो बह करके कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, है ना। तो कोशिश उसको इधर जाने की करना है इस थीटा एंगल पर, तो वो थीटा का वैल्यू पूछा है तो वो आ गया 30 डिग्री। इसको हम लोग कह सकते हैं 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये नॉर्थ है, नॉर्थ से वेस्ट की तरफ 30 डिग्री। अब ऑप्शन में क्या बताया गया है, पहले तो ये बताया गया विथ रेस्पेक्ट टू नॉर्थ, तो ऑप्शन डी देखेंगे, ये कहा गया 30 डिग्री वेस्ट, है ना, फ्रॉम नॉर्थ।
तो एक ही बात है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो गया। इसके बाद अगला सवाल पर आते हैं जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है। कहा गया टू पैरेलल इनफाइनाइट लाइन चार्जेज विथ लीनियर चार्ज डेंसिटीज प्लस लैम्डा कूलम पर मीटर एंड माइनस लैम्डा कूलम पर मीटर आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 आर इन फ्री स्पेस। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड मिड वे बिटवीन द टू लाइन चार्जेस। जैसे एक लाइन चार्ज ये हो गया, दूसरा लाइन चार्ज ये हो गया, है ना। इस पर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है और इस पर है माइनस लैम्डा। दोनों के बीच का सेपरेशन दिया गया है 2 आर, यानी इंडिविजुअली यहां से आर पड़ेगा और यहां से भी आर पड़ेगा। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इधर वाला जो लाइन चार्ज है उसकी वजह से आएगा इधर, है ना। मान लेते हैं ई आएगा, जिसकी वैल्यू हमें पता है आता है 2k λ/r, है ना। एक इनफाइनेटली लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो आता है 2k λ/r, इसकी वजह से इधर आएगा। और ये जो लाइन चार्ज है ये निगेटिव है तो इसकी वजह से भी इधर ही आएगा और मैग्नीट्यूड इतना ही आएगा, है ना। तो ये भी ई हो गया, क्योंकि निगेटिव चार्ज है ना, तो उसकी वजह से इधर आएगा। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इधर आएगा। डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, यहां पर एक टेस्ट चार्ज रख सकते हैं। पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखेंगे तो ये उस टेस्ट चार्ज को इधर रिपेल करेगा, यानी फील्ड इधर है। ये जो है उस टेस्ट चार्ज को, जो कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, उसको ये अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, यानी इसकी वजह से भी फील्ड इधर आएगा, ठीक। तो दोनों की वजह से फील्ड इधर है। तो टोटल जो है यहां पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करेंगे तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड जोड़ देंगे 2 × E, तो 2 E का वैल्यू जो है ये है 2k λ/r, 2k λ/r यानी 4 r, k का वैल्यू होता है 1/4πε0 λ। देखेंगे ये 4 और ये 4 कैंसिल हो गया तो आया क्या, λ/πε0 r, है ना। तो देखेंगे जो ऑप्शन बी है यहां पर एग्जैक्टली इतना ही दिया गया है, λ/πε0 r। अगले सवाल पर आते हैं, देखेंगे ये जो सवाल है बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहा गया फीच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ सर्किट प्रोटेक्शन डिवाइस, मतलब ऐसा कौन सा इसमें डिवाइस है जो कि सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, एक है इंडक्टर, एक है स्विच, एक है फ्यूज और एक है कंडक्टर। तो हमें पता है कि इनमें से जो फ्यूज है वो सर्किट को प्रोटेक्ट करता है। जैसे ही ज्यादा करंट होता है तो हीटिंग इफेक्ट की वजह से फ्यूज जो है वो बर्न हो जाता है और सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो इस तरह से बहुत ज्यादा करंट होने पर जो है सर्किट प्रोटेक्ट रहता है इस फ्यूज की वजह से, है ना। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है, ये तीनों जो है हम लोग सिलेक्ट नहीं करेंगे। इसके बाद अगला सवाल कैपेसिटर का है। कहा गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 20 μF इज बीइंग चार्ज बाय अ वोल्टेज सोर्स हुज पोटेंशियल इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 3 V/s। द कंडक्शन करेंट थ्रू द कंडक्टिंग वायर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट करेंट थ्रू द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर वुड बी रिस्पेक्टिवली। मतलब दो तरह का करंट फ्लो करता है, एक कंडक्शन करंट और एक डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना। जैसे कि अगर कोई कैपेसिटर है तो यहां पर कंडक्शन करंट जो है वो फ्लो करता है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे यहां चार्ज बढ़ता है तो हमें पता है कि यहां पर जो है करंट ये चेंज होता रहता है। करंट चेंज होने से यहां पर चार्ज चेंज होगा, चार्ज चेंज होगा तो यहां पर जो है फ्लक्स चेंज होता है और फ्लक्स चेंज होने से डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। तो अगर हम बात करें कंडक्शन करंट की तो ये तो सीधे होता है dQ/dt, क्यू होता है CV के इक्वल, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं C×dV/dt। सी दिया गया है 20 μF, यानी 20×10⁻⁶ F, और dV/dt दिया गया है 3, तो ये जो है ये आ गया 60 μA। ये कंडक्शन करंट हो गया। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है वो होता है ε₀ × dΦ/dt। फाइ क्या है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, ठीक। ये जो है डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में अगर आप मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वीडियो लेक्चर देखेंगे तो उसमें मैंने ये जो है फॉर्मूले के बारे में काफी डिटेल में समझाया कि कहां से आता है कैसे आता है, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का वैल्यू हम लोग यहां पर पता करेंगे, ये आएगा एप्सिलॉन नॉट
जो फ्लक्स है उसको लिखा जा सकता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, जो प्लेट्स का एरिया है ये ए, ऐसे लिख सकते हैं बाय डीटी। तो एप्सिलॉन नॉट एरिया तो चेंज होता नहीं है यहाँ पर, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफरेंशिएट करेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो होता है वी बाई डी। किसी भी इंस्टेंट पर अगर यहाँ का डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है वी और गैप है डी, तो वी बाई डी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताता है, है ना। तो इलेक्ट्रिक डी बाई डी टी लिखना था हमें, ए तो बाहर आ गया, तो डी बाई डी टी को ई को वी बाई डी बाई डी टी लिख देंगे। इसमें से डी भी वेरी नहीं कर रहा, ये ज्योमेट्री है, डी और ए ज्योमेट्री है तो चेंज नहीं हो रहा, कोई भी कैपेसिटर का ज्योमेट्री चेंज नहीं हो रहा है। तो डी को यहाँ पर लाएंगे तो ये हो जाएगा डी वी बाई डी टी। हमें पता है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी क्या होता है, कैपेसिटेंस होता है, तो कैपेसिटेंस इंटू डी वी बाई डी टी, ठीक। तो ये भी देखने में इतना ही आ गया, सी डी वी बाई डी टी जैसे ये भी था और ये भी उतना ही आ गया है ना। तो ये भी 60 माइक्रो एम्पियर आ जाएगा, है ना। तो देखेंगे जो पहला ऑप्शन है इसमें दोनों के लिए कंडक्शन करंट और डिस्प्लेसमेंट करंट दोनों की वैल्यू 60 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ है, तो ये जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 25 इलास्टिसिटी का क्वेश्चन है। इसमें बताया गया व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ एल, द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स एल प्लस स्मॉल एल। ये जो स्मॉल एल है ये इलोंगेशन हो गया, ओरिजिनल लेंथ जो था कैपिटल एल था, अब इसका लेंथ कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल हो गया, तो ये जो है इलोंगेशन हो गया। द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर इज, तो हमें पता करना है कि इसमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है, है ना। सपोज ये वायर है, यहां पर ए मास का ब्लॉक लटकाया, इसका लेंथ जो है अब एल प्लस एल हो चुका है, ठीक। तो हमें पता है कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम लोग लिखते हैं हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ऐसे लिखते हैं। तो जो स्ट्रेस होता है ये होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ इंटू वॉल्यूम होता है जो है इसका लेंथ इंटू एरिया, ये होता है। अब यहां पर ये जो एल है और ये एल है कैंसिल कर सकते हैं, ये एरिया और ये एरिया कैंसिल कर सकते हैं, तो यह आएगा हाफ एफ इंटू डेल्टा एल, ठीक। अब इस क्वेश्चन में जो फोर्स है ना, जो डिफॉर्मिंग फोर्स है वो है इस ब्लॉक का वेट जो कि एम जी के इक्वल आएगा, तो एफ को हम लोग रखेंगे एम जी, और डेल्टा एल क्या है इलोंगेशन है, इसमें देखेंगे इलोंगेशन जो था वो स्मॉल एल था, तो ये आ गया एम जी स्मॉल एल बाई टू, है ना। तो देखेंगे जो ऑप्शन बी है वो है एम जी स्मॉल एल बाई टू, ऑप्शन सी में दिया गया है एम जी कैपिटल एल बाई टू है ना, तो ये गलत है और ये वाला सही ऑप्शन है, ठीक। इसके बाद अगला सवाल जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, इसमें एक स्फेयर दिया गया, कहा गया हॉलो मेटालिक स्फेयर ऑफ रेडियस आर इज यूनिफॉर्मली चार्ज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द स्फेयर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। तो हमें पता है कि अगर कोई स्फेयर है हॉलो स्फेयर जिसका रेडियस है आर, अंदर जो है ये हॉलो है, इस पर चार्ज क्यू जो है सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ कुछ ऐसा आता है ना। ये स्फेयर के अंदर इसका जो फील्ड है वो होता है जीरो, और सरफेस पर इसका मैक्सिमम होता है के क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, और उसके बाद ये डिक्रीज होने लगता है। इधर बाहर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द स्फेयर, ये हम लोग लिखते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये जो है ये सरफेस पर होता है, ठीक, जबकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो अंदर कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा और सरफेस पर मैक्सिमम होगा, उसके बाद डिक्रीज होने लगता है। तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड दिया गया, जैसे पहला ऑप्शन है इसमें कहा गया कि जीरो एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम आर लेस देन कैपिटल आर, मतलब सेंटर से जो डिस्टेंस है
इसकी वैल्यू जब तक इस रेडियस से कम होगी, तो यानी कि स्फीयर के अंदर की बात कर रहे हैं और अंदर फील्ड जीरो होता है, तो यहां तक तो सही है। इसके बाद कहा गया डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब कि ये तो हो गया आर इज इक्वल टू कैपिटल आर सरफेस पर, सरफेस के बाहर आर जो है ग्रेटर देन रेडियस होगा, तो उसके लिए कहा गया उसके बाद जो है जैसे जैसे आर इंक्रीज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, तो यहां पर यही कहा गया डिक्रीजेज एज आर इंक्रीजेज फ्रॉम रेडियस, है ना, तो रेडियस से बड़ा जब वो इंक्रीज होने लगेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज होता है, तो सही ऑप्शन है ये, है ना। ऑब्वियसली अगर ये सही है तो बाकी सारे जो है वो गलत हो जाएंगे। ठीक, अगला सवाल जो है सर्कुलर मोशन का है, इसमें कहा गया अ मास एम इज अटैच टू अ थीन वायर एंड व्हील्ड इन अ वर्टिकल सर्किल, द वायर इज मोस्ट लाइकली टू ब्रेक व्हेन, कहा यह गया है कि एक पार्टिकल है, एक बॉल है जो कि वायर से अटैच किया गया है, है ना, और ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक, तो बताना है कि किस पोजीशन पर जो वायर है उसके ब्रेक होने के, उसके टूटने के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक, तो हमें पता है कि जहां पर टेंशन ज्यादा होगा वहां पर टूटने के चांसेस ज्यादा होंगे, तो टेंशन सबसे ज्यादा कहां होता है, नीचे वाले पॉइंट पर, लोएस्ट पॉइंट पर। क्यों? क्योंकि ऊपर यहां पर टी होता है, नीचे एम जी होता है, और सेंट्रिपेटल एक्सेलरेशन ऊपर है वी स्क्वायर बाई आर, तो इक्वेशन लिखेंगे टी माइनस एम जी एक्सेलरेशन की तरफ फोर्स को पॉजिटिव उल्टा वाले को निगेटिव इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो टी इज इक्वल टू आएगा एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, है ना। अब देखेंगे किसी भी पॉइंट पर आप टेंशन निकाल कर देख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएगा बल्कि इससे कम ही आएगा, क्योंकि पहला चीज तो ये है कि यहां पर प्लस साइन है, दूसरा चीज ये है कि स्पीड जो है यहां पर सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि नीचे आने पर पोटेंशियल एनर्जी घटती है तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, तो यहां पर स्पीड भी ज्यादा है, प्लस साइन है, इसलिए टेंशन सबसे ज्यादा होगा, और टेंशन सबसे ज्यादा होगा यहां पर तो ब्रेक होने के चांसेस भी सबसे ज्यादा है। इसके बाद जो अगला सवाल है ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, आप सबको पता होगा, पूछा गया विच कलर ऑफ द लाइट हैज द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, जो भी विजिबल लाइट होता है उसमें हमें पता है कि रेड लाइट का जो वेवलेंथ है सबसे ज्यादा होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। इसके बाद 29 देखते हैं, कहा गया द पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी वी इज एक्टेड बाय थ्री फोर्सेज शोन बाय द वेक्टर ट्रायंगल पी क्यू आर, देखेंगे एक ट्रायंगल दिखाया गया है तो तीन फोर्सेज हैं, एक तो है पी क्यू जिसका एरो इधर है, दूसरा है क्यू आर ऐसे एरो है, और तीसरा है आर पी ऐसे। ठीक, तो कहा गया द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल, मतलब जो वेलोसिटी है वो बढ़ेगा घटेगा कांस्टेंट रहेगा ये हमें बताना है। ठीक, तो जो भी आप ये वेक्टर ट्रायंगल देख रहे हैं उससे हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर इन तीनों फोर्सेज को जोड़ा जाए तो रिजल्टेंट जो है वो जीरो आएगा। क्यों? क्योंकि जब भी वेक्टर को हम लोग ऐड करते हैं तो हेड और टेल मिलाते हैं, तो अगर हम बात करें, अगर मैं मान लेता हूं कि पी क्यू जो था वो पहला वेक्टर था, इसका टेल यहां पर हेड यहां पर, फिर क्यू आर का टेल इसे मिल गया हेड यहां आ गया, फिर आर पी का टेल यहां आ गया इसका हेड यहां आ गया, तो देखेंगे कि फाइनल जो वेक्टर है उसका हेड और इनिशियल वेक्टर उसका टेल दोनों एक ही जगह कोइंसाइड कर गया, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो होता है टेल फ्री टेल से फ्री हेड को मिलाने से जो लाइन आता है वो रिजल्टेंट वेक्टर होता है। यहां पर क्या है कि फ्री टेल और फ्री हेड दोनों एक ही जगह आ गए तो रिजल्टेंट वेक्टर जीरो हो गया, है ना। रिजल्टेंट वेक्टर जीरो होने का मतलब है कि रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया है, और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज नहीं होगा वो कॉन्स्टेंट रहेगा, तो बी ऑप्शन जो है इसमें सबसे सही आंसर होगा रिमेन कॉन्स्टेंट। अगला सवाल जो है मैग्नेटिक फील्ड का है, कहा गया आयनाइज्ड हाइड्रोजन एटम्स एंड अल्फा पार्टिकल्स विथ सेम मोमेंटा इंटर्स परपेंडिकुलर टू कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बी, द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई ऑफ देयर पाथ्स आर एच इज टू आर अल्फा विल बी, हम जानते हैं कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज पार्टिकल उस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर वेलोसिटी से इंटर करता है तो सर्कुलर मोशन करने लगता है,
इस सर्कुलर पाथ का जो रेडियस होता है वो होता है एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। इस क्वेश्चन में एम वी जो है वो मोमेंटम होता है, इसमें कहा गया है सेम मोमेंटम है, तो इसको मैं पी लिख देता हूँ, चार्ज क्यू और वी, तो मोमेंटम भी सेम है, मैग्नेटिक फील्ड भी सेम है, तो जो रेडियस है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर दो पार्टिकल्स है, एक तो हाइड्रोजन एटम है जो कि आयनाइज हो चुका है, तो उस पर चार्ज कितना आएगा, है ना, अगर हम बात करें उसकी, तो उस पर जो है ई जो है चार्ज आएगा, ठीक है, आयनाइज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा तो प्लस ई चार्ज आया होगा, और अल्फा पार्टिकल की बात करें तो उस पर 2e चार्ज आया होगा, है ना। तो अगर हम लोग ऐसे देखें, इसमें पता करना है आर एच बाई आर अल्फा, आर एच बाई आर अल्फा इज इक्वल टू क्यू अल्फा बाई क्यू एच, चार्ज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो क्यू अल्फा यहां पर है 2e और क्यू एच है e, तो ये हो गया 2:1, तो जो रेशियो यहां पर पूछा गया वो आ गया 2:1, यानी कि जो डी ऑप्शन है ये सही आएगा। इसके बाद अगला सवाल है, ये कहा गया द यूनिट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, हम लोग पढ़ते हैं हीट ट्रांसफर में कंडक्शन जो है एक प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का, उसमें जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर होता है डी क्यू बाई डी टी, वो हम लोग लिखते हैं के इंटू एरिया इंटू टेम्परेचर ग्रेडियंट, ऐसे लिखते हैं। तो ये जो टर्म है इसको के को कंडक्टिविटी कहा जाता है, इसका यूनिट निकालना है। ठीक, तो ये जो dq बाई डी टी है ये है रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, यानी एनर्जी ट्रांसमिटेड पर यूनिट टाइम, तो इसको हम लोग SI यूनिट में वाट लिख सकते हैं, इसका यूनिट के जो है इसका तो निकालना है हमें, है ना। एरिया जो है इसका होता है मीटर स्क्वायर यूनिट, और जो dx जो है ये लेंथ है, है ना, टेम्परेचर चेंज पर यूनिट लेंथ, ये होता है टेम्परेचर ग्रेडियंट, चेंज इन टेम्परेचर पर यूनिट लेंथ, तो नीचे वाला जो है लेंथ है तो उसका भी यूनिट मीटर होगा और टेम्परेचर का आ जाएगा केल्विन में। ठीक है, तो ये कंडक्टिविटी होता है, इसका हमें निकालना, एम और एम कैंसिल हो गया, तो कंडक्टिविटी इसको मैं के सी लिख देता हूं, कंडक्टिविटी का इसका यूनिट पता करना है, तो देखेंगे ये आएगा वाट, ये मीटर जाएगा उधर तो हो जाएगा पर मीटर, केल्विन रह जाएगा तो हो जाएगा पर केल्विन। ठीक, तो ऐसा यूनिट देखेंगे यहां पर ऑप्शन सी में दिया गया है, वाट पर मीटर पर केल्विन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है, कहा गया क्वाइल ऑफ 800 टर्न्स इफेक्टिव एरिया 0.05 मीटर स्क्वायर इज केप्ट परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड 5×10⁻⁵ टेस्ला व्हेन द प्लेन ऑफ द क्वाइल इज रोटेटेड बाई 90° अराउंड एनी ऑफ इट्स को प्लेनर एक्सिस इन 0.1 सेकेंड द EMF इंड्यूस्ड इन द क्वाइल विल बी, हमें पता है कि इंड्यूस्ड EMF की वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं, बाय फाइंडिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, तो इसको लिखा जा सकता है फ्लक्स जो है वो इनिशियल माइनस फाइनल, ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि यहां पर एक माइनस साइन आता है, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, फ्लक्स जो होता है उसको हम लोग लिखते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया ऑफ क्वाइल। ठीक, तो शुरू में आप देखेंगे कि ये मैग्नेटिक फील्ड और जो एरिया है ये दोनों पैरेलल है, क्या कहा गया, ये कहा गया कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, है ना, ये जो क्वाइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है, कुछ इस तरह से रखा गया है, मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे है तो ये जो प्लेन है क्वाइल का वो ऐसे बोर्ड के प्लेन में रखा गया है, इसका मतलब ये हुआ कि जो क्वाइल का एरिया है वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा। ठीक है, क्योंकि एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, यहां मैग्नेटिक फील्ड भी प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, इसलिए चूंकि फ्लक्स में B डॉट A होता है तो जस्ट मल्टीप्लाई कर देंगे पैरेलल होने से,
है ना, और फाइनली जो है कहा गया कि इसको 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, मतलब कि ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और इस कॉयल को रोटेट करके हमने ऐसे कर दिया, मतलब ये प्लेन हो गया कॉयल का ऐसे, तो इस केस में एरिया वेक्टर तो आ गया इधर कहीं ऐसे, जबकि मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, दोनों परपेंडिकुलर हो गए, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होंगे तो फ्लक्स हो जाता है जीरो, है ना, डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो एन का वैल्यू दिया गया है यहां पर 800, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू दिया गया है 5 × 10⁻⁵, और एरिया है 0.05 - 0 डिवाइडेड बाई टाइम दिया गया है 0.1। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.02 वोल्ट, है ना, ये हो गया। इसके बाद अगले सवाल पर आते हैं जो कि रोटेशन का है। कहा गया अ डिस्क ऑफ रेडियस 2 मीटर एंड मास 100 kg रोल्स ऑन हॉरिजॉन्टल फ्लोर, इट्स सेंटर ऑफ मास हैज स्पीड ऑफ 20 cm/s, हाउ मच वर्क इज नीडेड टू स्टॉप इट। मतलब एक डिस्क है जो कि किसी वेलोसिटी से जा रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है ना, तो इसको रोकने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, जितनी इसकी अभी काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम से क्या होता है कि जितना हम वर्क करते हैं उतनी ही एनर्जी उसकी बढ़ाते हैं या घटाते हैं, ठीक। तो अगर हम पॉजिटिव वर्क करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाते हैं, अगर हम नेगेटिव वर्क करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी घटाते हैं। तो ऑब्वियसली यहां पर काइनेटिक एनर्जी घटाना है क्योंकि उसको रोकना है, तो नेगेटिव वर्क करेंगे तो हमारे वर्क का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होना चाहिए वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो पहले हम ये पता कर लेते हैं कि इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी अभी होगी उसी को हमें खत्म करना है, खत्म करते ही ये रुक जाएगा, यानी जितनी इसकी काइनेटिक एनर्जी है उतना हम वर्क कर देंगे निगेटिव में तो वो काइनेटिक एनर्जी गायब हो जाएगी। तो हम पता करेंगे इसकी काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी दो तरह की आएगी, रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। रोटेशनल आता है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से, और ट्रांसलेशनल आता है हाफ एम वी सी एम स्क्वायर से, है ना, यहां पर आई सी एम लेते हैं। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट इस डिस्क का मोमेंट ऑफ एनर्जिया आता है एम आर स्क्वायर बाई टू, चूंकि ये परफेक्ट रोलिंग कर रहा है इसलिए ओमेगा को वी बाई आर लिखा जा सकता है, है ना, मतलब परफेक्ट रोलिंग केस में वी सी एम इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है। तो ओमेगा को वी सी एम बाई आर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये पहले से ही हाफ एम वी सी एम स्क्वायर है, ठीक। तो यहां से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 1/4 + 1/2 टोटल आ गया 3/4 एम वी सी एम स्क्वायर, है ना। तो ये आएगा 3/4, मास है 100 kg, और वी सी एम देखेंगे सेंटीमीटर में दिया है, अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आएगा 0.2 m/s, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो इसको आप सोल्व कर सकते हैं, है ना, तो ये आ जाएगा 3/4 × 100, इसको मैं लिख सकता हूं 2/10 यानी कि 4/100, तो ये और ये कैंसिल हो गया, 4/4 कैंसिल हो गया, तो ये एक्चुअली में 3 जूल आ गया, है ना। तो ऑप्शन डी जो है यहां पर करेक्ट ऑप्शन है, इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन सी था वो करेक्ट ऑप्शन था। अब अगला सवाल देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 34 जो कि एरर एंड मेजरमेंट से रिलेटेड है। एरर एंड मेजरमेंट में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि किस तरह से फ्रैक्शनल एरर फाइंड किया जाए, किस तरह से परसेंटेज एरर फाइंड किया जाए, और किस तरह से मैक्सिमम परमिसिबल परसेंटेज एरर फाइंड किया जाए, है ना, ये तरीके हम लोग सीखते हैं। एग्जैक्टली वही तरीका यहां पर लगाएंगे तो ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन में क्या कहा गया, इन एन एक्सपेरिमेंट द परसेंटेज ऑफ एरर अकर्ड इन मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज ए बी सी एंड डी आर 1%, 2%, 3% and 4% respectively, then maximum percentage of error
in measurement of x, where x is given by a square b power 1 by 2 divided by c power 1 by 3 d power 3 will be. तो जो मैंने बताया कि फ्रैक्शनल एरर या परसेंटेज का तरीका है उसको हम लोग यहां पर अप्लाई करेंगे. इसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, है ना. तो ये आता है इधर लेफ्ट में डेल्टा एक्स बाई एक्स, इसका पावर में वन है. राइट हैंड साइड में ए का स्क्वायर है ना, तो टू जो है यहां आएगा डेल्टा एक्स बाई डेल्टा ए बाई ए, इधर आ जाएगा. प्लस बी का पावर वन बाई टू है, तो वन बाई टू डेल्टा बी बाई बी. प्लस सी जो है, सी का पावर वन बाई थ्री है, हालांकि ऊपर ले जाने पर माइनस वन बाई थ्री आता है, लेकिन जैसा कि हम लोग थ्योरी में पढ़ते हैं कि अगर मैक्सिमम परमिसिबल एरर निकालना हो तो हम लोग हर जगह पॉजिटिव पॉजिटिव लिखते हैं. ये मानकर चलते हैं कि ये जो नीचे वाला जो क्वांटिटी में एरर है वो भी इसके एरर को बढ़ा ही रहा होगा, ऊपर वाला में जो एरर है वो भी इसके एरर को बढ़ा ही रहा होगा. हर तरह से एरर जो है वो एडअप हो रहा है, इसलिए मैक्सिमम परसेंटेज एरर ये निकलेगा. तो इसलिए इसमें भी प्लस प्लस करेंगे, ये पावर जो है वन बाई थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे और आएगा डेल्टा सी बाई सी. प्लस डी का पावर थ्री है, तो थ्री यहां भी प्लस में रखेंगे इंटू डेल्टा डी बाई डी. सब कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव रखना है, ठीक. तो अगर इसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये परसेंटेज बता देगा, है ना. ये इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज बताएगा. तो देखते हैं, ये तो परसेंटेज एरर निकालना ही था. इधर देखते हैं ये क्या आएगा, 2 इंटू डेल्टा ए बाई ए इंटू 100. ये बताएगा परसेंटेज एरर इन ए, जो कि 1% दिया हुआ है, ठीक है. प्लस 1 बाई 2 इंटू डेल्टा बी बाई बी इंटू 100. तो ये बताएगा परसेंटेज एरर इन बी, जो कि यहां पर 2% दिया हुआ है, ठीक. फिर 1 बाई 3 इंटू डेल्टा सी बाई सी इंटू 100. ये बताएगा परसेंटेज एरर इन सी, जो कि 3% दिया हुआ है. प्लस 3 इंटू डेल्टा डी बाई डी इंटू 100. ये बताएगा परसेंटेज एरर इन डी, जो कि 4% दिया हुआ है, ठीक. तो इन सबको अगर हम लोग ऐड करेंगे तो देखेंगे ये आएगा 2%, ये आएगा 1%, ये आएगा 1% और ये आएगा 12%. सबको ऐड करने से आएगा 16%. तो ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो गया. इसके बाद जो अगला सवाल है ये कोलिजन से रिलेटेड है. कहा गया बॉडी ए ऑफ मास 4m मूविंग विथ स्पीड u कोलाइड्स विथ अनदर बॉडी बी ऑफ मास 2m एट रेस्ट. द कोलिजन इज हेड ऑन एंड इलास्टिक इन नेचर. आफ्टर द कोलिजन द फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस्ट बाय द कोलाइडिंग बॉडी ए. ठीक, हमें पता है कि इलास्टिक कोलिजन में टोटल काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता, मतलब कोलिजन से पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी और कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है पूरे सिस्टम का वो सेम रहता है, लेकिन इंडिविजुअल पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो चेंज होती है. एक से काइनेटिक एनर्जी दूसरे में जाती है, है ना. तो पहले वाले की कितनी ज्यादा एनर्जी दूसरे में चली गई वही उसके लिए लॉस हो गया, वही यहां पर फाइंड करना है, ठीक. तो यहां पर मैं ये मान लेता हूं कि एक बॉल ए है जिसका मास है 4m, दूसरा बॉल है बी जिसका मास है 2m. ये यू से जा रहा था, ये रेस्ट पर था, ठीक. कोलिजन के बाद ये जो 4m वाला है, सपोज ये v1 से चलेगा और 2m वाला जो है वो v2 से चलेगा. तो v1 और v2 का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग क्लास में फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, वो फॉर्मूला मैं यहां पर अप्लाई करूंगा. v1 का वैल्यू आता है m1 माइनस em2 इंटू u1 बाई m1 प्लस m2 प्लस m2 1 प्लस eu2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2, ठीक. अब यहां पर देखेंगे कि जो m1 है वो 4m है, m2 जो है वो 2m है और e का वैल्यू जो है वो 1 है. तो यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, 4m माइनस 2m इंटू
यू वन, यू वन के जगह पर रखेंगे यू डिवाइडेड बाई एम वन का वैल्यू 4m, एम टू का वैल्यू 2m और अगला टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि यू टू जीरो है, ये जो है रेस्ट पर था तो वो जीरो हो गया। तो देखेंगे कि इसकी जो वेलोसिटी आएगी ये 4m माइनस 2m, तो 2m u बाई 6m यानी कि u बाई 3 आ गया है। मैं डायरेक्ट यहां लिख देता हूं, ये आ गया u बाई 3। ठीक, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना हुआ? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था हाफ मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना, मास था 4m a का, ये a है और ये b है, वेलोसिटी थी इनिशियली u माइनस फाइनली मास, तो इसका 4m ही है लेकिन वेलोसिटी अब u बाई 3 हो गया है। ठीक, तो इसमें से देख सकते हैं कि 4m बाई 2u स्क्वायर को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, है ना, तो ये आ जाएगा 2m u स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 बाई 9 आ जाएगा, यानी 2m u स्क्वायर इंटू 8 बाई 9। तो यहां पर फ्रैक्शनल लॉस पूछा है, फ्रैक्शनल लॉस का मतलब हो गया कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, तो लॉस जो है ये आया है 2m u स्क्वायर इंटू 8 बाई 9 डिवाइडेड बाई इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो है ये जो कि 2m u स्क्वायर है, है ना, तो 2m स्क्वायर ऊपर से और नीचे से कैंसिल हो गए तो ये रह गया 8 बाई 9। तो फ्रैक्शनल लॉस जो हुआ है वो हुआ है 8 बाई 9 टाइम्स, यानी कि जो है ऑप्शन ए सही आंसर होगा इसका। अगले सवाल को देखते हैं, इसमें कहा गया द रेडियस ऑफ सर्किल द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इनिशियल पोजीशन एंड सेंस ऑफ रिवॉल्यूशन आर इंडिकेटेड इन द ब्लू फिगर। यहां पर देखेंगे एक सर्कुलर पाथ दिखाया गया है जिसमें पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है उसका टाइम पीरियड दिया गया है 4 सेकेंड, सर्किल का रेडियस 3 मीटर दिखाया गया है और ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, पार्टिकल यहां से चलना शुरू करता है। तो कहा गया है y प्रोजेक्शन ऑफ रेडियस वेक्टर ऑफ रोटेटिंग पार्टिकल p, पार्टिकल p जो है वो इस तरह से रोटेट करता है। तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में पढ़ा है कि किसी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो पार्टिकल होता है उसका प्रोजेक्शन किसी डायमीटर पर लेते हैं तो वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है, है ना, जो प्रोजेक्शन होता है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा होता है। तो हम लोग जनरली जो प्रोजेक्शन लेते हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या हॉरिजॉन्टल डायमीटर पर, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल वाला जो डायमीटर होता है उस पर लेते हैं, एक्स एक्सिस जो है देखेंगे यहां पर, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं कि उस सर्कुलर पाथ पर मोशन करने वाले पार्टिकल का प्रोजेक्शन इस डायमीटर पर लेते हैं जो कि SHM करता हुआ दिखता है। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि जो प्रोजेक्शन है वो वाई डायरेक्शन के पैरेलल जो डायमीटर है इस डायमीटर पर लेना है। ठीक, तो ऐसा मान लेते हैं कि किसी टाइम टी पर जो पार्टिकल है यहां से चल रहा है, इसका टाइम पीरियड फिक्स्ड है तो एंगुलर वेलोसिटी फिक्स्ड होगा, तो किसी टाइम टी पर ये ओमेगा इंटू टी एंगल ट्रेवल करेगा, इसका रेडियस आर जो कि 3 मीटर दिया हुआ है, अभी आर रख लेते हैं, है ना, तो अगर पार्टिकल यहां पर है तो हमें प्रोजेक्शन देखना है इस डायमीटर पर, यानी इधर कोई ट्यूबलाइट लगाया होगा तो इस पार्टिकल का शेडो कहाँ आएगा, यहां पर, है ना, तो उसका पोजीशन जो है वाई डायरेक्शन में वो ये होगा और ये आएगा आर कॉस ओमेगा टी के इक्वल, ये आर है ये ओमेगा टी है तो ये आर कॉस ओमेगा टी आएगा, है ना, तो वाई डायरेक्शन में इसका जो पोजीशन होगा उसको लिखेंगे आर कॉस ओमेगा टी। अब आर जो है यहां पर 3 मीटर है, कॉस ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, ओमेगा होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड इंटू टी, तो 3 cos 2π टाइम पीरियड जो है वो 4 दिया गया है इंटू टी, तो ये आएगा 3 cos π t डिवाइडेड बाई 2, है ना, तो ये y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट आया किसी भी टाइम t पर। तो देखेंगे कौन सा ऑप्शन सही है, यहां पर ये c वाला जो ऑप्शन है ये सही आ रहा है, y इज इक्वल टू 3 cos π t बाई 2, है ना, ये सही ऑप्शन है। इसके बाद जो अगला सवाल है
वो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का है, है ना, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से रिलेटेड है. कहा गया इन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन व्हेन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल फॉर द पेयर मीडिया इन कॉन्टैक्ट व्हाट विल बी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. तो जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जैसे सपोज ऊपर जो है वो रेयरर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है, ये हो गया नॉर्मल, है ना. तो हमें पता है कि लाइट रे जब क्रिटिकल एंगल से कम एंगल पर जाता है तो क्रॉस कर जाता है. अब जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते रहते हैं तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बढ़ता रहता है. एक इंस्टेंट आता है जब ये क्रिटिकल एंगल पर इंसिडेंट होता है तो वो क्रॉस तो कर जाता है लेकिन बाउंड्री के पैरेलल हो जाता है, है ना. तो जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो तो रिफ्रैक्टेड रे बाउंड्री के पैरेलल, यानी मीडियम का जो इंटरफेस है उसके पैरेलल होता है, यानी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है उस केस में 90 डिग्री होता है. तो देखेंगे ऑप्शन सी में 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ये करेक्ट ऑप्शन हो गया अपना.